जयदीप जोशी मुंबई से। सच क्या है न्यूज़पेपर 30 सालों से निरंतर पाठकों की सेवा में हाजिर रहा है और मेरी शुभकामनाएं हैं कि निरंतर ये पत्र जो है पाठकों को लुभाता रहे। अगले महीने की 11 तारीख यानी 11 जुलाई को ये 30 साल पूरे कर रहा है। मेरी तरफ से पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक बधाई। फिरोजाबाद के थाना टूला क्षेत्र के स्टेशन रोड पर सब्जी मंडी के निकट मिले शव की हुई पहचान। टूला निवासी रिटायर्ड सीओ शव नथीलाल के 48 वर्षीय हर्ष चौधरी उर्फ दीपू का निकला शव। दो दिन पूर्व घर से गायब थे हर्ष चौधरी। पड़ोसियों के अनुसार शराब पीने के आदि थे हर्ष चौधरी। परिवारिक जनों ने जताई हत्या की आशंका। सीओ टूला और प्रभारी निरीक्षक मौके जांच में जुट गई। उसके बाद डॉग स्क्वाड की मदद ली गई। उसके बाद सूचना एसएसपी फिरोजाबाद राहुल यादवेंद्र घटना स्थल का मौका मुआयना करने पहुंचे, जहां पर उन्होंने बारीकी से परिजनों से पूछताछ की और निरीक्षण किया। उसके बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि पोस्टमार्टम के बाद ही स्थिति साफ हो सकेगी कि इनके साथ क्या घटना घटित हुई। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। फिरोजाबाद से श्री किशन चित्तौड़ी की रिपोर्ट, एसकेएच न्यूज। जो आपके चाचाजी की डेड बॉडी मिली है यहाँ पर, ये कब से गायब थी और क्या आशंका जताई जा रही है? सोमवार को 16-25 तारीख को 6:30 बजे ये निकले थे। अभी अपने पॉप पे निकलते हैं, तो अब हम लोगों ने सुबह तक देखा तो 1-2 बजे तक नहीं आए, तो फिर हमने ढूंढना चालू किया ना, तो शाम तक नहीं मिला। उसके बाद हमने एक पहरी दी थाने कि ऐसे ऐसे हमारे चाचाजी को, फिर बाद में क्या कहते हैं आज पता चला कि उनकी डेड बॉडी मिली है, तो फिर वालों ने बाद हम देखेंगे। क्या लगता है आपको ये क्या इसी हत्या की है, क्या है? सीधे सीधे दिख रहा है कि उनका जिस तरीके से इस कोने में डले हुए वो ऐसी जगह पर कैसे भी नहीं खड़े हो सकते हैं। उनका जो हादसा किया गया उनके साथ जो भी है वो एक साजिश है, कुछ भी हो अपनी पुलिस वाले सब। डेड बॉडी मिली है, क्या मामला है? हर्ष चौधरी का मृतशरी है, डेड बॉडी 25 तारीख को 6:30 बजे से यहाँ से गायब थे। इसको 10 बजे तक उनका लोकेशन ट्रेस हुआ अब तक, इसकी घोषणा होगी अभी पंजीकृत कराया जा रहा है। ये जो क्या लगता है आपकी हत्या की गई है या कैसे? अब ये पीएम रिपोर्ट से मालूम पड़ेगा। पहले तो उसमें खास बात ये देखनी पड़ेगी कि 25 तारीख के बाद ये कहाँ कहाँ रहे, लोकेशन मालूम करना पड़ेगा, लोगों से पूछताछ करनी पड़ेगी। अंतिम बार में लोगों ने देखा उनके बाद करनी पड़ेगी। ये रिपोर्ट नियम हो जाएगा, उसके बाद योजना की दिशा तय होगी।